बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फितराने का एक मसला ये है कि जो ज़ेरे कफालत बहन भाई हैं, क्या उनको जो ज़ेरे कफालत हैं, किसी के कफील होता है कोई भाई, उसके ज़ेरे कफालत जो बहन भाई हैं, क्या उनको फितराना दे सकता है या कि नहीं दे सकता? तो इसके लिए ये बात जहन नशीं कर लें कि अगर आपके बहन या भाई जो भी हैं मुस्तहिक हैं और आपकी ज़ेरे कफालत हैं और आप उनका ख़र्चा महीने का उठाए हुए हैं, तो ठीक है, मुस्तहिक हैं, आपने उनका ख़र्चा भी उठाया हुआ है, तो वो जो ख़र्चा हर महीने आप उनको देते हैं, अब फितराने की मद में वो ख़र्चा नहीं आप उनको दे सकते, उस खर्चे की मद में फितराना नहीं दे सकते। यानी कि ख़र्चा तो आप देते हैं, तो आपने सोचा कि इस दफ़ा फितराना तो निकालना है, चलो खर्चे के पैसे अलहदा कर देते हैं, फितराना दे देते हैं, तो इस तरह नहीं कर सकते। खर्चे के पैसे आप उनको अलहदा दें, फितराने की रकम उनको आप अलहदा दें, आपका फितराना तब अदा होगा। हाँ, अलबत्ता वो मुस्तहिक होने का मतलब ये है कि उनके पास 52.5 तोला चांदी की मकदार के बराबर ना मालियत है, ना माले तिजारत है, ना कोई और चीज़ है, फिर तो वो मुस्तहिक हैं। ठीक है, अगर ये तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, वो मुस्तहिक नहीं है।